बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल स्पेस में नेबरहुड वा पॉइंट के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना है कि ताकि पीपीएस में कोई एमसीक्यूज आए या क्वेश्चन आए तो आप बता सके कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, कोई भी आपको पॉइंट देंगे उसका नेबरहुड फाइंड करना होगा, तो पॉलिटिकल स्पेस का वो पोर्शन होगा। तो 5-6 एमसीक्यूज होंगे पीपीएस में। अब देखें कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट का क्या मतलब होता है। आर सुपर सेट ऑफ ओपन सेट्स ऑफ अ पॉइंट से वो पॉइंट ए है। आर नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट ए एंड डिनोटेड बाय एन ऑफ एक्स। नेबरहुड्स है एन ऑफ एक्स, एक्स इज एनी पॉइंट हुज नेबरहुड इज हैव टू फाइंड। आर सुपर सेट्स ऑफ ओपन सेट्स, वो तमाम सुपर सेट्स ऑफ ओपन सेट्स होगा जिसमें वो पॉइंट कंटेन करता होगा। अब ये तो था कॉन्सेप्ट। अब एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड टा फाई एंड अदर ओपन सेट इज ए बी एंड बी। एक्स इटसेल्फ इज अ टोपोलॉजी ऑन ओवर एक्स एंड फाइंड नेबरहुड एट पॉइंट बी पे, हमने इसका नेबरहुड फाइंड करना है। और ये पॉइंट्स, ये टोपोलॉजी है, आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन लें, दोनों का इंटरसेक्शन लें तो बी ए है, और फाइनाइट आर्बिट्रेरी यूनियन भी लें तो इसी सेट के अंदर ही आएगा। तो देखें, टू फाइंड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट वी विल टेक ओपन सेट्स कंटेनिंग बी। ऐसे ओपन सेट लेंगे जिनमें वो पॉइंट कंटेन करता होगा, वो हमारा नेबरहुड, वो सेट नेबरहुड होगा उस पॉइंट का जो उस पॉइंट को कंटेन करेगा। विचार अब देखें, नेबरहुड एट पॉइंट पी फाइंड करना है, एन ऑफ एक्स इज डिनोट किया जाता था ना। अब नेबरहुड एट पॉइंट पी फाइंड बी फाइंड करना है, तो देखें बी किस किस को ओपन सेट में कंटेन करता है। बी सेट एक्स में भी है, अब सेट इस ओपन सेट ए बी में भी है, और इस ओपन सेट बी में भी है, ए बी में भी है, ये दो ओपन सेट्स में ये पॉइंट कंटेन करता है। सेट एक्स में तो करेगा ही करेगा, मतलब नेबरहुड पॉइंट का कभी भी खाली सेट नहीं हो सकता है, सेट इट्स सेल्फ तो ऑलवेज ही होगा। और बाकी और कोई भी ओपन सेट्स हो सकते हैं जहाँ, अब यहाँ पे ये देखें बी है, अब यहाँ पे ए बी एक सेट ओपन सेट कंटेन करता है इस पॉइंट को, तो कहेंगे कि ये सेट बी इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट बी एंड सेट ए बी ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट बी। ये भी पॉइंट बी का ओपन नेबरहुड है और ये भी एक पॉइंट नेबरहुड है। अगर हम इन तमाम का सुपर सेट्स ऑफ बी, अगर तमाम सुपर सेट्स लें, सुपर सेट मतलब आप देखें कि बी भी इस पॉइंट को कंटेन करता है, ये एक वन सुपर सेट लिया। अब ए बी, ये भी ये बी पॉइंट को कंटेन करता है, और ए बी सी इटसेल्फ सेट एक्स भी इस पॉइंट को कंटेन करता है, और जो कंटेन ए बी सी लिया वो विच इज़ कंटेन्ड इन एक्स, बी सी भी एक सेट है जो एक्स में कंटेन करता है, वो भी ए बी पॉइंट को कंटेन करेगा। मतलब ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स दैट कंटेन्स अ पॉइंट बी, तो सुपर सेट्स ऑफ बी, इनका जो कलेक्शन होगा वो नेबरहुड बेस बन जाएगा। कलेक्शन ऑफ आर सुपर सेट्स ऑफ अ पॉइंट इस कॉल नेबरहुड बेस, तो उन सारे पॉइंट्स जो भी इस पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं, वो चाहे एक्स में हो, बेशक वो ओपन सेट ना हो, लेकिन वो एक्स में कंटेन करते हों, वो सारे सेट जो एक्स को कंटेन करते हैं उस पॉइंट को भी कंटेन करते हों, उन सबका एक कलेक्शन होगा, वो कलेक्शन हमारा उस पॉइंट का नेबरहुड बेस बन जाएगा। उस मतलब सारा अब उस पॉइंट को कंटेन करते हैं, नेबरहुड बेस बन जाएगा। नेबरहुड ऑफ पॉइंट ऑफ एंड नेबरहुड ऑफ अ बेस, सुपर सेट्स ऑफ अ पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो नेबरहुड बेस बन जाएगा। ये तो था कॉन्सेप्ट नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एंड नेबरहुड बेस का। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी समझ आई होगी, बस कॉन्सेप्ट ही देना था, बुक की डेफिनेशन तो बहुत मिल जाती है, आप बुक की डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। ये तो कॉन्सेप्ट था, थैंक यू सो मच।